हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। देखिए, ऐसा है कि जब खेसारी लाल यादव के साथ काम करना होता है तो म्यूजिक म्यूजिक बहुत बहुत परिश्रम करके नहीं बनता। इनके साथ ऐसा है कि इनके रग रग में म्यूजिक है। शायद म्यूजिक इनसे छीन लिया जाए तो ये दुनिया छोड़ दें। प्रतिदिन इनका दिनचर्या में है कि दो तीन गाने जब तक ये बना नहीं लेंगे, उसको गा नहीं लेंगे, उसको खा नहीं लेंगे, पचा नहीं लेंगे, इनको चैन नहीं मिलता। तो इनके साथ काम करने का, संगीत बनाने का मेरा जब शुरू से ही जो अनुभव रहा है, जो जो फिल्में हमने किया साथ में, म्यूजिकली सारी की सारी ब्लॉकबस्टर, जितनी फिल्में हम लोगों ने किया म्यूजिकली। और संगीत इनके साथ बनाने का एक अलग अनुभव है। वैसे तो सबके साथ, दिनेश जी के साथ काफ़ी फिल्मों का मैं संगीत दिया हूँ, पवन जी के साथ भी दिया हूँ, पर इनके साथ संगीत बनाने का एक अलग आनंद ये है कि इनको राइटिंग का हुनर बहुत अच्छे से आता है। कि जो जो दर्शक वर्ग हैं जरा भोजपुरी बढ़िया से आवेला और भोजपुरी में का सुने के चाहता है, यही कारण से बोलूँ जानते बनी कि खेसारी लाल यादव 10 साल से आज ऑडियो लाइन में, मतलब गायकी के लाइन में टॉप पर आज 10 साल से चल रहा है। आज भी यूट्यूब पर चाहे हर प्लेटफॉर्म पर नंबर 6 पर इनकर सर्चिंग चल रहा बार हुआ सब बाकी पानी ट्रेंडिंग में चल रहा बड़े। तो संगीत के फील्ड में ये आज 10 साल से सिरमौर बढ़े। तो इनका संगे गाना बनौला के एहसास एगो अनोखा होला। और डायरेक्टर साहब की चूंकि विजन बहुत क्लियर बा और जो सब्जेक्ट यहाँ उठौले बानी नौ पे, हमने के संगीत अपने अंदर से खुद से निकली, इतना बढ़िया। बाकी संगीत के बारे में हम कैसन बनाए में ज्यादा ई कैसन बनवाई है वो बड़ी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।